अरे यार रोल वाले के पास भीड़ बहुत ज्यादा है भाई, सब लोग यही आ गए सैरी करने के लिए। रात के ऑर्डर 3:26 और अभी तक मैं सोया नहीं हूँ, सैरी का टाइम हो गया है और मैं जा रहा हूँ भाई नहाने के लिए। और आज है संडे, फ्राइडे नहाया था मैंने, सैटरडे को नहीं नहाया, तो आज नहाना जरूरी है, गर्मी का टाइम है, जल्दी जल्दी से नहाते हैं, फिर सैरी भी करना है अजान होने से पहले। और पानी यहाँ पे भर लिया है, अभी नहाते हैं फटाफट से भाई, सुबह का टाइम है, एकदम ठंड लगने वाली है बहुत ज्यादा। चलो कोई ना, नहाते हैं फिर मिलते हैं। तो अभी जल्दी जल्दी नहा लिया था मैंने और अभी जा रहा हूँ भाई खाने के लिए, कुछ लेके आने सैरी में खाना है, बाहर से इसलिए लेके आना पड़ रहा है क्योंकि कोई है नहीं यार बनाने के लिए, मैं और अब्बू है बस, तो मैं अपने लिए भी और अब्बू के लिए भी कुछ लेके आ रहा हूँ भाई खाने के लिए। अभी चलो भाई चलते हैं, पूरा बाहर भीड़ होगा, वैसे तो इधर पूरा भीड़ ही होता है रात भर, दिन में तो सब दुकान बंद, रात को ही खुलता है ज्यादा। अभी ले जाऊंगा मैं चिकन रोल, वही खा लेंगे शहरी में, बस काफी है भाई इतना तो। देखो सब लोग उठ चुके हैं इधर पे और अभी अनाउंस भी हो रहा था मस्जिद में, इधर थोड़ा सा सुनसान है बाकी उधर भीड़ होगा मार्केट में। भाई भीड़ है बटला, उसमें भीड़ है उधर, दुकान खुली है सारी। चलो भाई थैंक यू, दुकान खुली है भाई सारी। लो भाई इधर जूस वाले ने भी दुकान खोल रखा है। और भाई बढ़िया एकदम। और यहाँ पे भाई फालूदा वाला सब कुछ खुला ही है ऐसे। ये लो भाई रात के टाइम घोड़ा, असली भीड़ तो मार्केट में है ना, अभी आगे और भीड़ है भाई, अपने को जाना है रोल लेके आना है बस जल्दी से। असली भीड़ तो इधर ही है भाई, सब लोग सैरी यही कर रहे हैं मेरे ख्याल से। यार रोल वाले के पास भीड़ बहुत ज्यादा है भाई। हजरत दो चिकन रोल कर दीजिए, कर दिए थोड़ा सा जल्दी, ठीक है ओके। भीड़ काफी ज्यादा है भाई, भीड़ है, वेट करते हैं अभी सब लोग यहीं से सहेड़ी के लिए भाई रोल ले रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। मुँह छोड़ रहा है यार, आप तो छा गए, रील्स पे देखा था मैंने आपको इंस्टाग्राम पे, मजाक शर्ट पे एकदम यही लुक था आपका उस दिन, रील्स पे देखा था मैंने इंस्टाग्राम पे। हाँ हाँ ये भी बन रहा था, आप बना रहे थे रोल, आते रहते हैं यहाँ पे बनाने के लिए वीडियो। तो दो चिकन पैक करना है, कम डालना यार, ये सब कम डालना, थोड़ा सेल तो 4 गुना 5 गुना बढ़ गया होगा रमजान में, है ना मेरा है ना इसमें, बस थोड़ा कम डालना, कम डालना। भाई साहब रोल ले लिया है और भीड़ तो भाई नेक्स्ट लेवल है भाई साहब, सब लोग यही आ गए सैरी करने के लिए। भाई अगर मैं सो जाता ना तो उठ नहीं पाता सैरी के टाइम पे, तो फिर बिना सैरी के रोजा रखना पड़ता, इसलिए मैं सोया ही नहीं। और मैं डेली नहीं सो रहा भाई, ऐसे ही जागते रहता हूँ, सैरी का टाइम होता है बाहर से कुछ लेके आता हूँ और मस्त खा के फिर उसके बाद नमाज पढ़ के बाजार का फिर सो जाता हूँ। और ना सोने के बाद फिर नींद कब टूटता है पता है, डायरेक्ट अगले दिन 12 बजे 1 बजे, इसलिए मैं सोता ही नहीं, 4 बज गया ऑलरेडी वैसे भी। चलो भाई लेट्स गो जल्दी से, फ्रंट कैमरे साइड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, जब लाइट्स कम हो रही है तो देखो कैसा वीडियो क्वालिटी आ रहा है भाई, छी भाई। और भाई लाइट जब होती है ज्यादा और बैक कैमरे से करता हूँ ना तो फ्लैश ऑन हो जाता है बैक वाला, तो उसमें क्वालिटी अंधेरे में भी आता है। फोर्थ फ्लोर भाई साहब पहुंच गया। तो गाइस अभी सुबह के 4 बज चुके हैं और अभी मैं छत पे आके बैठा हूँ भाई, मस्त खा रहा हूँ और यहाँ पानी भी लेके आया हूँ मैं। रूम में फैन वैन चल रहा था, शोर हो रहा था ना और लाइट्स भी ऑफ था, इसलिए मैं छत पे आ गया अकेले ही। है कोई डर बताओ, भूत आ जाए या कोई छत से कूद के आके मुझे मार के भाग जाए, नो टेंशन, वैसे मारेगा कौन भाई और भूत कहाँ से, सुबह के 4 बज रहे हैं, ऊपर से रमजान का महीना, अभी भी मतलब अंधेरा है, 5:30-6 बजे के आसपास पूरा साफ होता है, मैंने भाई जाग के भी देखा है, क्योंकि एक बार मैं स्टेशन पे चला गया था 2 बजे, वहाँ पूरा साफ होने का मैंने वेट किया 2-3 घंटे स्टेशन पे, तो गाँव जब गया था तो उसके बाद ही मैं निकला स्टेशन से, 5:30-6 बजे के आसपास साफ होगा पूरा। और अभी एक चीज दिखाऊं, रमजान की सबसे अच्छी बात देखो, सबके रूम का लाइट ऑन है, इधर इधर भी पूरा चारों तरफ देखो, इसका मतलब क्या कि सब लोग उठ चुके हैं भाई सहरी करने के लिए, तो जो बना नहीं सकते या फिर जो अकेले रहते हैं वो उधर से ही खा लेते हैं मेरी, और बाकी जिनका घर है फैमिली है सुबह में उठो गर्म करो बनाओ जो भी है, दूध वूध, दूध वैसे नॉर्मली बना सकते हैं लेकिन ये चीज है ना, एक खाओ पेट भर गया यार बस सहरी खत्म, इसलिए ये खाना पसंद करता हूँ मैं। अभी देखो अनाउंस हो रहा है जी जी जी, उठ चुका हूँ, 50 मिनट और है अभी,
50 मिनट बाकी है अभी। एकदम बगल में ही मदरसा है भाई, मतलब नमाज पढ़ना है, तड़ावी पढ़ना है, कुछ भी ज्यादा दूर भी नहीं है, एकदम बगल में ही है। अभी अनाउंस छोड़ा ऐसा लग रहा है भाई घर के पीछे ही आवाज आ जाता है एकदम रूम तक। 50 मिनट बाकी है अभी, 5 बजे शायद अजान होगा, 4:10 हो रहा है, 50 मिनट, 5 बजे अभी तो बहुत टाइम है यार। आराम आराम से खाओ और पानी पी के थोड़ा सा मैं छत पे टहल भी लूंगा। आज रमजान का 13वां दिन है, मतलब 12 रोजा कंप्लीट, आज 13वां रोजा है। और आप लोगों में से किसके कितने रोजे हुए कमेंट में बताना, किसने कितने रोजे रखे। अभी भाई मुझे कोई देख रहा है इधर छत से, उसको ही देख रहा था मैं, इसलिए मैंने बोलना स्टार्ट किया, जब मैं बोलूंगा ना तो वो आएगा। अभी भाग गया, उसने देखा था, उस सीढ़ी जो देख रहे हो ना वहां से देख रहा था अभी, इसलिए मैंने लाइट ऑन करके बोलना स्टार्ट किया ताकि वो आए, लेकिन भाग गया, गया भाई। और ये देखो भाई चांद, जितना पीना है अभी पी लो, दिन में मौका नहीं मिलेगा भाई। 1 लीटर है, पूरा पी जाता हूँ। ट्राई करते हैं एक सांस में कितना पी पाता हूँ मैं, चलो कोशिश करते हैं। उल्टी हो जाता भाई, अभी एक सांस में पीना नहीं चाहिए वैसे पानी, कम से कम 3 सांस में। जितना पीना है, जितना खाना है अभी खा लो भाई, आधे घंटे के बाद सीधा शाम में 6:30 बजे थोड़ा सा टहलूंगा मैं, अंधेरा इतना है भाई और फ्लैश आ रहा, सीधा आंख पे गिर ना जाऊं मैं। सही है, चश्मा लगाने के बाद भी दिख नहीं रहा, फ्लैश है ना यार आंख पे और बाकी चारों तरफ अंधेरा है। ये देखो इधर से गिरने का डर है, देख रहे हो ना पूरा अंधेरा है अभी, देख के भाई, देख के। और इधर कबूतर लोग, और भाई साहब रोजे चल रहे हैं ना तुम लोगों के भी। चलो भाई ओके, दिन से ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, अभी फिलहाल थोड़ा बहुत टहल के मैं सोने चला जाता हूँ। भाई मौसम हो रहा है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, आज धूप बिल्कुल नहीं है, एकदम सुनहरा मौसम। अभी मैं थोड़ी देर पहले सो के उठा हूं, अभी 3 बज रहे ना, 1 बजे मैं सो के उठा था, रात को लेट सोया था 5 बजे के बाद इसके वजह से। और अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग निकलने वाले स्टेशन के लिए, मेरी बहन आई है तो उसको छोड़ने जाना है, गाँव के लिए जाएगी वो, और मैं गाँव जाऊंगा ईद के 2-3 दिन पहले, तो मेरे में तो टाइम है अभी, क्योंकि मैं अभी होके आया हूँ गांव से ही, वरना मैं भी साथ में ही जाता बहन के, लेकिन मैं जाऊंगा ईद के 2-3 दिन पहले अब्बू के साथ, तो मैं तो नहीं जाऊंगा, तो बहन को छोड़ने जाएंगे अभी स्टेशन। टर्मिनल प्लेटफॉर्म 1 पे सामने ट्रेन भी लगी हुई है, इसमें भी भाई बैठा देंगे सामान वामान रख के, कूली का काम मैं कर रहा हूँ, सामान लेके आओ इतना भारी, एक ये है और एक ये बैग है। ट्रेन में बैठा दिया गाइस, अभी ट्रेन खुल चुकी है, देखो पूरा बोगी इसमें एसी है भाई, एसी एक्सप्रेस है, मेरे को लगा ना कि स्लीपर भी होगा जनरल भी होगा, लेकिन पूरा एसी है। और अच्छी बात ये भी है कि इसका जो स्टॉपेज है वो बहुत कम है, 4-5 जगह रुकेगी बस, जिससे मैं आया था वो बहुत बेकार ट्रेन थी भाई। अभी हम लोग भी चलते हैं, 5 बजने वाला है, 4:45 में ट्रेन खुली है, और रोजे से भी हूँ मैं तो अफ्तार भी करना है, तो ऑटो लेंगे और फटाफट से अभी चलेंगे भाई घर, अफ्तार के टाइम तक पहुँच जाना है। तो गाइस अभी शाम के 6 बज चुके हैं और अभी आ चुके हैं भाई हम लोग स्टेशन से, और मैं छत पे आ गया हूँ दातुन करने के लिए। बे भाई कितना टाइट है यार, पहले का रखा हुआ था, शायद मैं नहीं लाया था इसको खरीद के, तो यूज नहीं किया था मैंने, आधा घंटा टाइम है। और अफ्तार लेके मैं बाहर से आ गया, अफ्तार में क्या वही लॉलीपॉप ले लिया था और बिरयानी ले लिया था, बाकी आज केले वेले पपीता ये सब कुछ नहीं लिया मैंने, क्योंकि नुकसान हो जा रहा है यार डेली वो कम देते नहीं, 1 किलो से कम देंगे नहीं, आधा किलो से कम देंगे नहीं, और उतना खा नहीं पाते, तो आज वो सब लिया नहीं। बाकी यार अम्मी भी है नहीं, अम्मी होती तो वो घर के जो चीजें हैं चिप्स पकौड़ी चना और दाल वाल जो भी है। और मेरे ना थोड़ा बहुत सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं खाली पेट था, रोजे से था, और बैठ के ऑटो में मैं चला गया आनंद विहार, और जब भी मैं खाली पेट बैठता हूँ और जहाँ रेड लाइट होता है तो बस रुकती है ना अगल बगल में ऑटो के, तो यार उसका जो धुआं होता है उसके वजह से सर में दर्द होने लगता है, हमेशा मेरे साथ होता है, जब भी मैं खाली पेट जाता हूँ तो होना ही है। और थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है, देखो मौसम एकदम, देखो देख रहे हो पूरा ठंडा मौसम है, बारिश हो रहा था जब हम लोग स्टेशन भी गए थे उस टाइम भी, अभी भाई बारिश हो गया, देखो कितना जोर से बारिश आ गया यार। 20-25 मिनट और है, दातुन करके जल्दी जल्दी चलता हूँ मैं नीचे, और उसके बाद मस्त भाई वजू करेंगे टोपी लगा के मस्त, उसके बाद खाएंगे, भूख लग रहा है और प्यास भी, आज प्यास उतना नहीं लगा क्योंकि मौसम ठंडा था, 1 बजे मैं सो के उठा हूँ, क्या प्यास लगेगा उसमें। अगर 5-6 बजे उठ जाता मैं सुबह में, फजर पढ़ने के लिए उठता और 6 बजे से जागो पूरा 6 बजे शाम तक, तो रोजा लग जाता है बहुत हार्ड, लेकिन मैं तो जागता ही रहता हूँ सहरी तक फजर तक, उसके बाद सोता हूँ तो 1 बजे उठता हूँ, अपना अलग है भाई, इतना टाइट है ना ऐसा लग रहा है मेरा दांत टूट जाएगा। चलो भाई दातुन हो गया, अभी नीचे चलते हैं, टाइम होने वाला है, 20-25 मिनट है और अजान ना हुआ अबू। हो गया भाई, ये है अफ्तार आज का अपना, और भी कुछ इसके अलावा कुछ बनाया नहीं, बनाना नहीं आता भाई। गांव में जब मैं था ना तो वहां का टाइम अलग था, यहाँ पे है अजान 6:35 में, वहां पे 6:10 के आसपास, बहुत फर्क है भाई 20-25 मिनट का।
तो गाइस इफ्तार कर लिया अभी, और अभी भाई मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा गेम वेम खेले, रात का टाइम है, थोड़ा सा लाइव वाइव कर लूं मैं, ज्यादा नहीं, डेढ़ दो घंटे। पीसी ऑन कर दिया अभी, और अभी 7:30-8 बज रहे हैं, तो भाई कुछ है नहीं करने को, और जागना भी है, रात को काफी लेट तक मैं जागता हूं, तो मैंने सोचा कि चलो गेम ही सही, गेम खेलते थोड़ा बहुत। एक अभी आया है ना ट्रेंडिंग नाथ शरीफ, कौन सा है, मोहब्बत रमजान, ये नूर नूर से यार ऐसे ही कुछ था यार, भूल गया मैं। बहुत मस्त है यार ये नाथ शरीफ, सही में ये घर पे सब लोग सुन रहे हैं, ये नूर नूर से रहमतो भरे बरकते रमजान, ऐसे ही कुछ था यार, मैं भूल गया भाई, लेकिन जो भी है बहुत मस्त है, लाइन वाइन जबरदस्त है उसके। तो गाइज मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना। फिलहाल ऐसे ही नॉर्मली ब्लॉग चलेगा कुछ टाइम तक, उसके बाद मैं घर पे जाऊंगा, तो सब लोग आएंगे, फैमिली के जितने लोग हैं ब्लॉग में, भाई बहन जो भी है। अभी यहाँ पे मैं अकेला हूँ, तो यार अकेले ही बना रहा हूँ, एडजस्ट कर लो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, और जल्दी मैं ईद पे जाने वाला हूँ, तो प्रॉपर मस्त अच्छे से ब्लॉग करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा।